जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। अभी क्या है कि सभी किसान भाई जो हमारे पास कमेंट और फ़ोन करते हैं, पूछते भैया आलू का मुझे बीजा लेना है। कुछ लोग तो सीधे सीधे फ़ोन करते हैं कि जो फरखाबाद राजीपुर में एक आलू का लैब खुला हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट में राजीपुर मतलब आई मीन सिंगी रामपुर में जो आलू का लैब, आलू वैज्ञानिक राहुल पाल जी हैं वहाँ पे, वो अपना मतलब आलू का बीजा वगैरह तैयार करते हैं। तो एक बहुत उपलब्धि वाली बात है, अच्छी बात है कि अपने यहाँ इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। हालांकि जो लोग उनसे बढ़ते होंगे वो उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हमसे नंबर मांगते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं और आलू के बीजा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से जानकारी के लिए बता दूँ कि जो आलू का बीजा है हमारे यहाँ छिपरामऊ क्षेत्र में ख्याति का, पोखराज का, सिंदूरी का, कंचन का और न्यू हाईलैंड आलू का बीजा वगैरह छिपरामऊ में मिल जाता है, जो कि सेकेंड हैंड। अब ये भी कोई उसका क्लियर नहीं होता है कि ये कितनी बार बोया गया है, कोई पता नहीं होता है। और ये भी हो जाता है, कुछ लोग तो मतलब बीजा बिक्री करने के लिए आते हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए आते हैं, उनको मिक्सचर भी मिल जाता है। इसलिए सभी किसान भाई ध्यान दें, बीजा लेते समय थोड़े अच्छे से उसकी परख कर लें, ताकि उनको उनकी आलू की फसल में नुकसान ना हो सके, बाद में पछतावा ना हो। क्यों भैया? क्योंकि आलू का बीजा ही आप किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब चीज़ उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि आलू की खेती आलू पे ही निर्भर करती है। जैसा बीजा जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो अब बात आती है, कुछ लोग ये सोचते हैं भैया नया बीजा लेना चाह रहे हैं। तो जो लोग नया बीजा लेना चाह रहे हैं वो अभी आपको राहुल पाल जी का जो नंबर है वो सामने दिख जाएगा, बाद बाकी एक आध दो लोगों को और भी नंबर आपको मिल जाएगा, जो कि बीजा के बारे में ही मतलब उनके पास बीजा है और बीजा के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग उनसे संपर्क करना, आपको चाहे हानि हो या लाभ हो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरा काम, आप लोगों ने नंबर मांगा मैंने दे दिया, बाद बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई हमसे कंप्लेंट नहीं करेगा। चाहे आपका जो है, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं भाई एक आलू है कुफरी मोहन, उसके बारे में थोड़ा बता दो। कुफरी मोहन के बारे में आपको बताते चलें, जो मेरे जानकारी मेरे पास से कुफरी मोहन लगभग 80 से 90 दिन की फसल है और ये बुवाई सेम होती है, मतलब एक बीघे में लगभग 5-6 कट्टे ही बोए जाते हैं और ये फसल 80 से 90 दिन की है। और इसमें एवरेज की बात अगर करें 90 दिन वाले में एवरेज आपका जितने दिन का होगा उतना ही बीघा कट्टा दे देगा, मतलब 80-90 कट्टा एक बीघे में देगा, ऐसा लोग बताते हैं। और हालांकि अभी हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इस साल एक तरीका का माना जाए कुफरी मोहन आलू की डिमांड ज़्यादा है। तो चलिए अब आराम से अभी आपको राहुल पाल जी का थोड़ा इसमें पीछे क्लिप मिल जाएगा, वीडियो और नंबर भी मिल जाएगा, उनसे बातचीत कर लेना। बाद बाकी अदरवाइज हमारे छिपरामऊ क्षेत्र में 10-15 दिन बाद बीजा की बिक्री होना शुरू हो जाएगी, आप लोग आके स्वयं देख सकते हो और पसंद आए तो ले जा सकते हो, वरना वापस जैसे आए वैसे वापस भी जा सकते हो, रुकना हो तो मेरे पास रुक भी सकते हो। तो चलिए अब सीधा आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं उन पर आप संपर्क कर लेना, बाद बाकी हाल लाभ के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।